और केएल शर्मा ने अमेठी से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनकी टक्कर अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगी। देखिए, स्मृति ईरानी ने 29 अप्रैल को अमेठी से पर्चा भर दिया था। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय किया और आखिरी दिन ही उम्मीदवार की ओर से नामांकन हुआ। तो बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं, अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, ये फैसला लिया गया। यहां से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है और आपको बता दें कि इस पर भी बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। लगातार कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर मैदान छोड़कर भाग जाने का आरोप अब लग रहा है कि पिछले चुनाव में जो हार मिली थी अब दूसरी बार मुकाबला ही नहीं करना है। आखिरी दिन था नामांकन का और केएल शर्मा ने अमेठी से अपना पर्चा अब दाखिल कर दिया है। वहीं 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी पर्चा दाखिल कर चुकी थी और जोरदार टक्कर उनके बीच हो रही थी। और देखिए, राहुल के अमेठी से चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता प्रमोद कृष्णम ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। तो देखिए, यहाँ पर मुकाबला अब जो है वो रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेठी से 29 तारीख को जो है स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन आज केएल शर्मा की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं जो वो सामने आ रही। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राहुल के वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत का दावा किया, तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को फाइटर कहा है। भैया शानदार फैसले हुए हैं, सब खुश हैं, राहुल चुनाव लड़े रायबरेली से, कार्यकर्ता उत्साह का संचार, दोनों चुनाव जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत। राहुल गांधी भाग गए, वो कौन दिखाने वाले, वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो पाँच चरण का चुनाव है, पाँचों चरण के चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इन सबके बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के ऊपर कड़ा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश होगा। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल को रणछोड़ दास कह दिया है। राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ, यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी